नमस्ते। आज फिर मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। और आज का विषय है ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी। ब्रीथिंग, हम सब यहां पर देखिए, सांस का और प्राण का, सांस का और जीवन का बहुत ज़बरदस्त संबंध होता है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सांस है और एक तरफ ज़िंदगी है। सांस है तो ज़िंदगी है, लेकिन ये सांस हमें पता ही नहीं कैसे लिया जाता है, हमें पता ही नहीं, हम उससे अनभिज्ञ हैं। आप देखेंगे सांस लेने की एक टेक्निक होती है, सांस कैसे लेना चाहिए। एक बच्चा होता है ना, कितना ऊर्जा से भरपूर होता है, कितना सारा ऊर्जा उसके अंदर होता है, लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें ऊर्जा की कमी होने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पर सांस लेने की टेक्निक को चेंज कर देता है। और जब हम सांस लेने की टेक्निक को, ये हम जानबूझ के चेंज नहीं करते हैं, ये अपने आप चेंज हो जाता है, हम अपने आप चेंज करते हैं। टोनी रॉबिन कहते हैं कि सर्टन और अनसर्टन, ये जो लाइफ होती है ना, ये हमारे सांसों पर डिपेंड है। ये हमारे सांसों से पता चलती है कि आप सर्टन में ज़िंदगी जी रहे हैं आप, या अनसर्टन में जी रहे हैं आप, वास्तविकता में ज़िंदगी जी रहे हैं या आप डर से ज़िंदगी जी रहे हैं, केवल सांसों से पता चलता है। आप देखिएगा लोग सांस कैसे लेते हैं, किस तरह से लोग सांस लेते हैं। लोग कभी पूरा सांस नहीं लेते। जब हम पूरा सांस लेते हैं पूरी तरह से, हमारा सांस कैसा होना चाहिए आज उस पर मैं बात करूंगा। केवल तीन बातें मैं यहां पर बताऊंगा उस माध्यम से। सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं तो पहले उस टेक्निक को समझ लीजिएगा। जब भी आप सांस लेते हैं तो पहले ज़ोर से सांस लेना है। आपने सांस ले लिया, आपके नाभि में आपको फील होना चाहिए, सांस को आपने नाभि में भर के रख दिया है। 1 2 3 4 5 6, अगर आपने 6 यूनिट तक सांस लिया है तो 3 यूनिट तक, 1 2 3 3 यूनिट तक उसको पकड़ के रखना है, सांस को पकड़ के रखना है, नाभि में पकड़ के रखना है सांस को। और फिर उसके बाद धीरे 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 सांस को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट तक उसको आने देना है। ऐसा कोई गिनना नहीं है, ये सिर्फ आपको अंदर फील करना है। शुरुआत में कॉन्शियस माइंड में आपको वो पकड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा वो, ये कॉन्शियस माइंड है और ये सबकॉन्शियस माइंड है। पहले आपको चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हम चूड़ी पहनते हैं ना, या कोई कड़ा पहनते हैं, तो पहले हमें कोशिश करनी पड़ती है, और एक बार वो अंदर बैठ जाता है तो फिर वो अंदर ही घूमता रहता है। तो हमें सांस के लिए भी ऐसे ही करने हैं। तो दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको याद आता है, जब भी आपको समय मिलता है, तो अपने सांस पर ध्यान दीजिएगा। सांस ले लिया, उसको होल्ड करके रख दिया, और धीरे 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 सांस को छोड़ दिया, फिर होल्ड करके रखा। यानी 6 यूनिट में सांस को लेना है, फिर 3 यूनिट में हम लोग को क्या करना है, रोक कर रखना है, सांस को पकड़ के रखना है नाभि में, और उसके बाद धीरे 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 सांस को छोड़ना है 8 यूनिट तक। यानी लेते समय थोड़ा स्पीड और छोड़ते समय जितना धीरे धीरे सांस छोड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। और उसको छोड़ने के बाद फिर 4 यूनिट, यानी 8 यूनिट अगर आपने सांस छोड़ने में लगाया है, 8 यूनिट अगर आपने लिया है, तो आपको क्या करना है, 4 यूनिट तक होल्ड करके रखना है। यानी इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड, इसी तरह से करना है आपको। एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, आंखें बंद करके हम लोग देखेंगे, अपने पेट के ऊपर हाथ रखेंगे, नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, वहाँ पे पकड़ के रखेंगे, और धीरे 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 जितना जितना आराम से, जितना आराम से, जितना आराम से, जितना, और एक बार करेंगे, होल्ड करके रख दिया हमने, और धीरे 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 सांसों को छोड़ दिया। बस यही करना है, बस यही करना है। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी का नाम ले लिया, ये मेथड है, ये सही मेथड है, जो हमने कई गुरुओं के साथ बैठने के, उनके सानिध्य में रहकर 2004 से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है सांस सही लीजिए। तो जब भी आपको मौका आता है, कई बार हमारा सांस ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है, कोई बात नहीं, ये सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन जैसे आप सांस लोगे और धीरे धीरे आपको करना है, जितना लेंगे आप, जितना इस तरह की सांसें लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो पहली बात है सांसों का टेक्निक। दूसरा, सांस जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको मौका मिलता है ये काम कीजिएगा, जब भी आपको मिलता है। आप दिन में कम से कम 10 बार ऐसा कर सकते हो, 10 बार कीजिएगा। जब भी आपको, अगर विचार कहीं ब्लॉक हो गए, लंबी सी सांस लीजिए, छोड़ी देखिए, नए विचार आ जाएंगे, क्योंकि विचारों का और सांस का फिर से संबंध है, न्यूरॉन साइंस जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि जब आपके शरीर को जब ऑक्सीजन मिलेगा तब नया कुछ होगा। तीसरा है, पहले हमने देखा कि सांस कैसे लेना है, इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड, इनहेल होल्ड, एक्सहेल होल्ड, इस तरह से लेना। उसके बाद हमने देखा कि सांस कैसा है, आपको जब भी आता है मौका तब लीजिएगा।
तीसरा टेक्निक क्या कहता है कि सांस जो है जितना आराम से आप ले सकते हैं, और अगर आप छोड़ते समय इस तरह से आप लेंगे, ये तीसरी टेक्निक है। सांस ले लिया जोर से, अंदर होल्ड करके रख दिया, आपने नाभि में पकड़ के रख दिया, सबके सामने ऐसा नहीं कर सकते तो, लेकिन आप कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे जरा सांस ले बाबा, दम का सांस ले, तो यही इसी को बोलते हैं हम दम का सांस। तो याद रखिए, सही सांस लेना हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। आप जितना आराम से सांस लेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, क्योंकि फिर से ज़िंदगी और सांस ये एक ही है। सांस ख़त्म तो ज़िंदगी भी ख़त्म। तो सही तरीके से सांस लीजिएगा और मुझे आज्ञा दीजिएगा। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, माइंडसेट गुरु, आध्यात्मिक मैं व्याख्याता हूँ। और जब भी आपको कोई कुछ भी अगर आपको कुछ सवाल हैं कि, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप डायरेक्ट हमारे टीम से बात कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। सही सांस लीजिए, हैप्पी ब्रीथिंग।